मेरी आवाज जा रही है? नहीं जा रही होगी तो अब जाएगा। साउंड स्क्रीन जा रहा है क्या? चलिए ज्वाइन होते जाइए। साउंड स्क्रीन जा रहा है ना? ठीक। बैंक निफ्टी काफी ऊपर 42,800 के आसपास है ऊपर। वाओ, बैंक निफ्टी एकदम 42,800 के पास पहुंच गया रे भाई, अपने रेजिस्टेंस एरिया के पास में, एकदम रेजिस्टेंस एरिया के पास में पहुंच गया है बैंक निफ्टी। तो देखें क्या एक ऑर्डर लिया जा सकता है क्या। खुलते के साथ बैंक निफ्टी एकदम पहुंच गया। मॉर्निंग मॉर्निंग रमेश जी। 42,000 समय, देखिए समय 9:18, 19 मिनट हो गया। 42,900 के आसपास, 848 के पास बैंक निफ्टी पहुंच गया है। तो मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी में एक मूवमेंट, यहां से थोड़ा रिजेक्शन, ज्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा रिजेक्शन की उम्मीद कर सकता हूं। थोड़ा रिजेक्शन का उम्मीद कर सकता हूं, थोड़ा, ज्यादा नहीं, थोड़ा। एक हर्डल के पास में ओपन हुआ है। मॉर्निंग मॉर्निंग जी साहब, नमस्कार। तो एक पोजीशन लिया है 42,800 का, एक पुट लिया है 131। स्क्रीन नहीं जा रहा है? जा रहा होगा मालिक। अरे सर जा रहा है, बसंत साहब जा रहा है, बसंत जी जा रहा है स्क्रीन। सर ऐसे नहीं करिए, बच्चे का जान ना लीजिए। जा रहा है मालिक स्क्रीन, बसंत जी देखिए जा रहा है, डी साहब को, सबको जा रहा है। बसंत जी ऐसे नाक ब्लेम मत लगाइए बसंत जी, सुबह 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 ब्लेम लगाते। सुबह सुबह मत करिए सर। चलिए बैंक निफ्टी ठीक ठाक लग रहा है, थोड़ा रिजेक्शन के पास ओपन हुआ है, इसलिए मैंने एक पुट ले लिया है। हो सकता है गलत हो जाऊं, क्योंकि काफी दिनों के बाद बैंक निफ्टी रेंज से निकला है, इस वजह से है ना। मॉर्निंग मॉर्निंग अभी ठीक है बसंत जी, अभी ठीक ठाक है, अभी दिख रहा है स्क्रीन वगैरह। ऐसे नहीं करिए, आप तो एकदम निराश कर देते हैं मुझे। ओके दिख रहा है ना, तब आप सुबह सुबह हमको बोल देते हैं, बताइए नहीं हो रहा है, नहीं दिख रहा, क्योंकि सबको जा रहा है सर, ऐसे ना करिए। तो एक पुट लिया हुआ है मैंने, क्या लिया, एक पुट लिया है, रिजेक्शन के पास में है, इसके वजह से ही मैंने लिया और कुछ नहीं, बस खाली बैंक निफ्टी रिजेक्शन के पास ओपन हो गया तो उसको देख के मैंने ले लिया है ना। हो सकता है काफी दिनों के बाद निकला, तो हो सकता है गड़बड़ भी हो सकता है, लेकिन अभी तो मामला ठीक ठाक जम रहा है। देखिए 346 हो गया, 383 हो गया, पुट कितना पर लेना है, हाँ कितना पर लेना है, अरे बा जीरो के आसपास आ जाए एकदम, जीरो जहां से स्टार्ट करेंगे हम लोग,
जीरो तब लेंगे सुधीर जी, आप इंतजार करिए, जब वो 1-2 रुपया के आसपास पहुंच जाए तब लेंगे, एकदम नो रिस्क, एकदम जस्ट लाइक इंदौरी कॉल सर्विस प्रोवाइडर, है ना, इंदौरी कॉल सर्विस प्रोवाइडर बना दिया है सुधीर जी ने मुझे। ताली बजाइए, सुबह सुबह होते के साथ तालियों के साथ स्वागत करिए। इंदौरी कॉल सर्विस सुधीर जी ने मुझे बना दिया 482। सबसे पहले एक सुबह का बॉनी बुक करूंगा, सुबह का एक बॉनी मैंने बुक कर लिया, देखे कितना पे बॉनी बुक किया, 538 रुपए का बोनी बुक कर लिया मैंने सुबह 9:22:56 पर ही। फंड मैंने 10,700 कुछ रुपए से स्टार्ट किया था, 11,429 हो गया, तो इसका काम हो गया, है ना, देखा सिंपल तरीका है ना, बहुत ही आसान सिंपल, यही एक ट्रेड लिया, एक ट्रेड में फिनिश हो गया हमारा काम, है ना। चलिए बढ़िया, तो मालिक आपने लेट ज्वाइन किया, 9:18:20 लेट होता है, तो सवेरे क्या होता है, सवेरे क्या होता है, मार्केट खुलने से पहले 8 बजे ज्वाइन करिएगा सुधीर जी। 9:18:20 अगर लेट हुआ तो सवेरे किसको बोलता है, चलिए 300 राघवन जी ने भी बुक कर लिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ब्रेक किया है वहां से, बाइंग का जोन नहीं मिलेगा आपको, थोड़ा रिस्क है। थोड़ा वेट करिए, थोड़ा ऊपर का रिजेक्शन 43,000 के आसपास का रिजेक्शन मिल सकता है। कहाँ गया 42,900 वाला, वो वाला, वो 2 फरवरी वाला दिख गया था हमको, आ गया था मॉर्निंग मॉर्निंग। देखिए इसका एसएल कट गया भाई, एसएल कट गया, मुबारक हो। अच्छा ऐसा पहले ट्रिगर हुआ कि नहीं, हाँ ट्रिगर तो हो ही गया होगा, लेकिन ऊपर से रिजेक्शन 43,000 के आसपास मिलेगा। अभी हम लोग नहीं कुछ करेंगे, थोड़ा आने देते हैं नीचे की साइड में, तब देखिए बहुत तेजी से गिर रहा है। 42,934 पहुंच गया, 42,930 पहुंच गया। अब जिसको रिस्क लेना है तो एक शॉर्ट का पोजीशन बना सकते हैं, देखिए यहाँ पे रिस्क है भाई, लेकिन आपको रिस्क लेना पड़ेगा, अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, रिस्क तो लेना पड़ेगा। बैंक निफ्टी आता है, दिखता है किधर, देखते हैं बैंक निफ्टी 43,100 के आसपास। फरवरी, फरवरी क्यों दिख रहा है, फरवरी नहीं दिखना है, जनवरी दिखाओ, जनवरी जनवरी जनवरी, एक रिस्क ले रहा हूं, 42 सॉरी 43,100 का एक पुट लिया है। देखिए है रिस्क यहां पे, लेकिन चूंकि रेजिस्टेंस एरिया भी वही है सर, क्या कर सकते हैं, मजबूर है, रेजिस्टेंस एरिया भी वही है, इसीलिए आपको लेना पड़ेगा, अगर लेना है तो पुट ही लेंगे, अभी तो कॉल नहीं ले सकते, क्योंकि जब तक 43,000 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे ना हो जाए ना, कॉल लेने का कोई कारण नहीं। देखिए बयालीस हजार 934 के आसपास है बैंक निफ्टी, एक छोटा रिस्क यहाँ पर बन रहा है, ले सकते हैं, 370 तक जाना चाहिए, अगर क्लेम करता है नहीं जाएगा, नहीं जाएगा 250 लॉस होगा ये, लेकिन जोन है तो सेलिंग का जोन है, सीधी सीधी सी गप है, अभी बाइंग जोन नहीं है।
ला चल ठीक है। ठीक वेट करिए, 13-14 रुपए का प्रॉफिट। कोशिश 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 कर रहा है रिजेक्शन का, उसी को देख के लिया है पुट। एक सौ इकतालीस 150 118, हाँ 1850 में रेजिस्टेंस है, वो बिल्कुल रेजिस्टेंस है, वही सब देख के तो सर लिया है, लेकिन मामला जमेगा तब ना। 42,925 हाई मारा है, 42,950 सर, रेजिस्टेंस ही है सर, क्या करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, वेट करते हैं, और क्या कर सकते हैं हम, और क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं। यूपीएल देखिए शानदार चल रहा है, 200 कहाँ गया यूपीएल, अरे कहाँ गया यूपीएल, नहीं है ओपन हाई में कोई है, कोटक बैंक देखिए 345 365 हो गया, शानदार। थोड़ा रिजेक्शन है, अब देखिए कहाँ तक आता है। वेट करते हैं थोड़ा। तैतालीस हजार के पास ज्यादा बेस्ट लग रहा है शॉर्ट, 43,000 के पास में अगर वहां पर पहुंच जाए तब तो वहां बढ़िया शॉर्ट बनेगा, पर मुझे सही कहा आपने, 43,000 के पास अगर पहुंच जाए तब तो बढ़िया शॉर्ट बनेगा, सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं बिल्कुल, 43,000 के पास रिस्क कम हो जाएगा, रिस्क कम हो जाएगा, है कि नहीं। इतना अच्छा खुला फिर भी कोई ओपन लो में नहीं है, वाह। चलिए देखिए क्या खेल हो रहा है। पुट ही लेना है, थोड़ा सताएगा डराएगा धमकाएगा थराएगा और यही सब करवाएगा, और क्या करवाएगा, 43,000 के आसपास पहुंच जाए तो वहां से छोटा सा रिस्क बनेगा, है ना, वहां छोटा रिस्क बनेगा सेलिंग के लिए, यानी कि पुट के लिए छोटा रिस्क बनेगा। गेनर में कौन कौन है, यूपीएल है, हीरो मोटो है, फलाना है ढिमकाना है, ठीक है, 335, 335 के ऊपर निकल जाए, 40 के ऊपर निकल जाए तो मूवमेंट बढ़ सकता है, चलिए वेट करते। 42,950 960 बस यही है, वो अभी रहेगा ट्रेड, ठीक है, आएगा आएगा नीचे, देखिए क्या पोजीशन आता है। 100 का पुट ले सकते हैं, देखिए यहाँ पर सेलिंग नहीं है, बाइंग का जोन नहीं बनेगा आपके लिए, बाइंग का जोन नहीं बनेगा,
आपके लिए क्या मेरे लिए भी नहीं बनेगा, इसलिए रिस्क है। 43,000 का एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है, 43,000 के आसपास 42,960 का हाई लगा चुका है बैंक निफ्टी, उसको देख के मैंने पुट लिया है 43,100 का, और 186 134 का प्रॉफिट होना लग गया, 89 38 21, वहां से थोड़ा रिजेक्शन लेता है तो एक बार बैंक निफ्टी कहाँ तक आने के चांस बना सकता है, और अगर ब्रेक कर जाएगा तो ऊपर भागेगा, 43,150 तक जा सकता है, 43,100 तक जा सकता है, तो एक उम्मीद है, उम्मीद क्या रिजेक्शन पॉइंट है, तो वहां से ये देखना पड़ेगा। चालीस का भी प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है, तो बैंक निफ्टी है, चलिए देखिए अभी क्या सिचुएशन है, रिजेक्शन पॉइंट के पास 42,600 तक आ सकता है, अगर रिजेक्शन सही से मिल गया तो 42,600 तक आ सकता है बैंक निफ्टी। देखिए 354 हो गया, 366 हो गया, 350 तक पहुंचे थे, एक बार प्रॉफिट को बुक किया, 960 का हाई मारा है, लगभग लगभग 43,000 के आसपास पहुंच गया है, इसको देखते हुए एक रिस्क लिया है, तीस 28 330 को ब्रेक करो ऊपर, 330 को ब्रेक करो तो मजा आ जाए, नहीं 330 को ब्रेक नहीं करता, ओके चलो, क्या लगता है नीचे आएगा? अरे नीचे तो ये आ रहा है, मैंने बैंक निफ्टी नीचे आएगा, इस कैंडल का लो पॉइंट स्टॉप लॉस रहेगा 305 रुपए का, 305 रुपए का लो जो हम लोग स्टॉप लॉस लगा के बैठेंगे, 320 पर लिया है, 320 पे लिया ना, 315 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाएंगे, चुपचाप से बैठेंगे, क्या लग रहा है आना चाहिए नीचे या नहीं आएगा, क्या लग रहा है आप लोग को बताइए, 43,000 के पास रिस्क कम है, 43,000 43,100 वहां पर रिस्क थोड़ा कम है सेलिंग में, लेकिन अगर ब्रेक करेगा तो तेजी से ब्रेक भी कर सकता है, ये भी चांस है, फिर 43,100 पे जाके रिजेक्शन लेगा, शायद यहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा, हाँ फंसा सकता है मे बी, है ना, फंसा के लोगों का खा जाएगा प्रीमियम, है ना, लोगों का प्रीमियम खा जाएगा, तो यहाँ देखिए ये प्रीमियम खा सकता है, तो मैं वही 305-6 का एक स्टॉप लॉस लेके छोड़ दूंगा, एक स्टॉप लॉस काट देता हूँ, देखिए ये नीचे आने की कोशिश कर रहा है, तो ये मैंने काट दिया, ये मैं काट दूंगा, ये देखिए काटा, काटा नहीं, नहीं काटा, अच्छा एक ही लॉट कटा है सर, यहाँ तो कर सकता है सर, यहाँ डरा सकता है, यहाँ डराने का पूरा कोशिश कर सकता है, इस पूरा कोशिश करेगा, ये एरिया जो है 300 के नीचे अगर निकल जाएगा तो स्टॉप लॉस मजबूरी हो जाएगा लेने के लिए, यहाँ पे आपने सही कहा रमेश जी, यहाँ थोड़ा सा टाइम बिता सकता है, हम वेट करके चलेंगे, पीएल को क्या कहते हैं 844 के ऊपर बाय, ओके ये देखिए ये एरिया ऐसा एरिया जहां पे आपको फंसा फंसा के जान मारेगा, तो चलिए पीएल को नजर रखते हैं हम लोग, अभी थोड़ा उधर से ध्यान हटाते हैं, क्योंकि प्रॉफिट लॉस देखते रहिएगा ना तो दिमाग खराब हो जाएगा, आठ सौ चौवालीस के ऊपर भाई ठीक ही तो है पीएल, एकदम सही है सर, चला तो गया प्रमोद जी 844, ठीक
चलिए वेट करिए, और क्या करेंगे हम लोग इस संसार में। जिस जगह पर है वहां पर हम लोग वेट ही करेंगे, और क्या करेंगे। तीन सौ के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे निकल जाएंगे। 300 के नीचे क्लोज नहीं कर रहा है ये, 300 के नीचे क्लोजिंग करेगा तो निकल जाएंगे लॉस लेके, नहीं निकलेगा तो नहीं निकलेंगे, हम लोग भी बैठे रहेंगे। इसको कट कर दिए यहां से, कोई उपाय नहीं। 43,100 का पुट है, हालांकि नीचे आना चाहिए लेकिन अभी कोई फायदा नहीं है, तो यहाँ पे लॉस बुक कर लेता हूँ 616 रुपए का। बाद में अगर मूवमेंट बना कुछ तो फिर एंट्री किया जाएगा, अभी फिलहाल यहाँ पे वही 300 के नीचे सस्टेन कर जाएगा तो निकलना पड़ेगा। निकल ही जाइए, निकल ही जाते हैं, कोई टेंशन नहीं है ना। इसको छोड़ देता हूँ अभी, कॉल बाइंग का लेवल ही नहीं है तो क्या करें। 342 यहाँ पर, 342, 340 ये लेवल ही नहीं है कॉल बाइंग का, तो क्या करें हम। जबरदस्ती अब अपनी ही चीज़ों पर हम बिलीव नहीं करेंगे, भरोसा नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगा, है ना। इस वजह से मुझे यहाँ पे लेना तो पुट है, लेना तो पुट ही है इस वजह से। एक आध बार पोजीशन कट करना पड़ सकता है, वो हम मान सकते हैं, वो करना पड़ेगा। इंट्राडे ट्रेडर है तो आपको शिफ्ट करना पड़ेगा पोजीशन तुरंत से इधर से उधर, नहीं रिस्क बने तो छोड़ देंगे, रिस्क ज्यादा बन रहा है तो काट लेंगे, वो करना पड़ सकता है। लेकिन कॉल का लेवल ही नहीं है ये एक्चुअली, है ना। शॉर्ट कवर जैसा भी नहीं है, जो भी हो। इसलिए मैं चीज़ों पर, जब अपना चीज़ पर हम जो चीज़ हम रोज़ देखते हैं, एनालिसिस करते हैं, प्रॉफिट बनाते हैं, वही चीज़ आज भी हो रहा है तो फिर हम क्यों नहीं बिलीव करेंगे, है ना। हाँ, स्टॉप लॉस कटेगा, स्टॉप लॉस ले सकता हूँ, वो हो सकता है, उसमें कोई ये नहीं है कि नहीं होगा, हाँ होगा, वो हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कट सकता है स्टॉप लॉस, वो हम मानेंगे, वो हम मान सकते हैं। अब 43,000 के पास है, इससे बढ़िया सबको बाहर निकलकर बाद में गिर, बस वही जो कह रहे ना, सबको बाहर निकलकर बाद में गिर जाएगा। उतने देर तक आपको रोकना है अपने आप को, अगर उतना देर तक रुक गए तब तो फिर आप जीत गए, अगर उतना देर तक नहीं रुके वहां पे पोजीशन। हाँ, अभी देखिए यहां से आप बिल्कुल पुट बाय करिए ना, आप बिल्कुल पुट बाय करिए, उसमें कहीं डरिए नहीं, क्योंकि ये लेवल ही पुट का है। हो सकता है एक आध बार आपको डरा दे, हो सकता है एक बार आपको थका दे, गड़बड़ा दे कि सर ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये लेवल ही कॉल बाइंग का नहीं है। कॉल बाइंग 43,100 के ऊपर, अगर एक 43,000 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए, वो भी आज नहीं बल्कि एक दो दिन चाहिए, तब जाके वहां से आपको बाइंग अच्छी खासी मिलेगी 43,500 तक। दोस्तों समय 10:34:53 हो रहा है। देखिए अभी मैंने जस्ट टेलीग्राम पर आप लोगों को एक मैसेज किया और अपने मोबाइल ऐप पे कि 43,200-43,100 जो है वो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है, वहां पे आपको पुट ही बाय करना है, और बैंक निफ्टी भी 43,000 के आसपास चल रहा है, तो मैंने यहाँ पर से ही पुट को बाय करना स्टार्ट कर दिया है। ऊपर के एरिया तक आपकी पुट की बाइंग चल सकती है, उसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, है ना। वो रिजेक्शन पॉइंट है दोस्तों, ये रिजेक्शन पॉइंट है 43,100-43,000 के आसपास का, ये सब रिजेक्शन पॉइंट है, वहां से आपको वो देखने को मिल सकता है। इसलिए इस वजह से मैंने आप लोगों को बताया है, यहाँ पे दिया भी है कि आपको पुट को ही बाइंग करके चलना है, और अगर ये पुट गिरता है, सॉरी अगर बैंक निफ्टी गिरता है तो एक आपको अच्छा मूवमेंट बन सकता है कि बैंक निफ्टी 42,600 तक आ सकता है, 42,600 अभी बैंक निफ्टी 42,950 चल रहा है ना, 42,600 तक गिरने के चांस बना सकता है। अब यहाँ पे जो मैंने, मेरा एंट्री प्राइस है वो 351.90 रुपए के आसपास का है, और इसका स्टॉप लॉस मैं 335 रुपए का लगा लूंगा, 330 रुपए का लगा के छोड़ दूंगा, देखूंगा कि क्या बैंक निफ्टी
कहां तक गिरता है। अगर गिरा तो एक अच्छा मूवमेंट बनेगा दोस्तों ऊपर के साइड में, मुझे बैंक निफ्टी के पुट में एक अच्छा खासा रैली बनता हुआ दिख सकता है। 400 438 अभी खास तो मूवमेंट नहीं है, 463 मैंने 351 लिया ना, 450 तक का एक टारगेट, 451.90 रुपया या 70 पैसा का एक टारगेट लगा के मैं यहाँ पे छोड़ सकता हूँ। यहां तक को रिकवरी आना चाहिए, अगर ये 380 के ऊपर अगर निकल जाए तो मजा आ जाए जबरदस्त। देखिए बैंक निफ्टी कोशिश कर रहा है नीचे आने का, पूरा नीचे 935 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 575 है ना। तो अभी मैं क्या करता हूँ ना, इसको काट देता हूँ। देखिए यहां से मैंने इसको काट दिया, ठीक है इसको काट देता हूँ और इसका एक प्रॉफिट भी मैं बुक कर लेता हूँ। देखिए कैसे कैसे करूंगा, क्योंकि आपको पता है मैं तेजी से करता हूँ काम, तेजी से लेता हूँ पोजिशन, तो मैं एक वेट करने की कोशिश करूंगा। मैं अब जो हूँ पोजिशन 2 लॉट के लगाऊंगा, एक बार प्रॉफिट बुक कर लिया 380.75 रुपया और 380.55 रुपया इसके ऊपर मैंने एक ऑर्डर लगा रखा है, ठीक है। 380 की जगह मैं इसको कर देता हूँ 381.25 रुपया और 381 रुपये का पॉइंट ऊपर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, कोई हर्ज नहीं है, यहाँ पे मैंने लगा दिया, ठीक है। बैंक निफ्टी आ रहा है नीचे, 920 आ चुका है बैंक निफ्टी का। अगर चार्ट देखें तो नीचे अच्छा खासा लेवल है, देखिए आ रहा है नीचे, अगर ये तोड़ देता है ये 15 मिनट का चार्ट देख रहे तो 4750 तक एक बार इसको आना चाहिए। पर रिजेक्शन कैंडल भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, ऊपर रिजेक्शन कैंडल भी अच्छा खासा बनाया हुआ है, तो वेट करते हैं फिलहाल। अभी देखिए कहां तक आ पाता है या नहीं आ पाता है, जो भी होगा वेट करके चलना पड़ेगा। 43,000 43,200 का पुट है, चांस है कि ये आपको 43,200 का पुट, 43,200 का पुट इसमें ऐड कर देता हूं, इसको 43,200 का पुट और इसका चार्ट एक ऑर्डर लगा के भी मैंने छोड़ा है, एक बार तो प्रॉफिट बुक कर लिया और दूसरा बार मैंने ऑर्डर लगा के छोड़ा है, देखें। और इसको मैं यहां पर से वापस से मार्केट प्राइस पे बाय करता हूँ, 65-75 वापस से मैंने मार्केट प्राइस पे बाय कर लिया, तो वो जो ऑर्डर मैंने रखा था पेंडिंग में वो ट्रिगर हो गया है ना, और ट्रिगर हो गया तो ये थोड़ा मूवमेंट करने की कोशिश कर रहा है। चलिए बैंक निफ्टी 42,920 के आसपास में ट्रेड हो रहा है, 42,920 बैंक निफ्टी, 42,925 ठीक है। चलिए वेट करके चलें, एक रेंज है छोटा सा, ज्यादा बड़ा रेंज है नहीं, देखिए यहाँ पे सेलिंग एरिया तो है, मैंने बैंक निफ्टी को सेल कर सकते हैं, ये रेंज बनाया है, इस रेंज के ऊपर निकलता है तो 50 पॉइंट 40 पॉइंट तो मिल जाने चाहिए, यानी कि 380 से 420 तक के तो टारगेट मिल जाने चाहिए, यहाँ तक का टारगेट मिल जाना चाहिए, यहाँ तक ऊपर ब्रेक करने का कोशिश कर रहा है, करो ब्रेक तो मजा आ जाए, करो 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 करो, कर रहा है कर रहा है, करो करो ऊपर ऊपर ऊपर, थोड़ा सा थका सकता है यहाँ पे, वेट करेंगे तो ऐसा करता है ना, इसके पीछे लगे रहेंगे तो बार बार पीएल देखिएगा ना तो डर लगेगा आपको, है ना, तो पीएल देखने से डर लगेगा, तो ऐसा करते हैं कि स्टॉप लॉस लगा के छोड़ देते हैं, क्या कहते हैं है ना, सही रहेगा कि स्टॉप लॉस लगा के छोड़ देना ही मेरे ख्याल से सही रहना चाहिए। बैंक निफ्टी 42,925 के आसपास में ट्रेड कर रहा है, ये 925 को पकड़ के बैठ गया, उसके नीचे जा नहीं रहा है बैंक निफ्टी, ये 925 को पकड़ के बैठ गया, वो जा ही नहीं रहा है उसके नीचे ना,
इसका बहुत ही सिंपल उपाय है। इसका सिंपल उपाय, जब ऐसा नहीं हो और आपके उसमें नहीं जाए तो फिर सिंपल उपाय है कि जो आप कर रहे थे वही करिए और ऑर्डर लगा के छोड़ दीजिए। 381 रुपये है, 25 पैसा और 381 ऑर्डर लगा के छोड़ दीजिए। आया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। अभी मैंने बॉक्स के ऊपर का एक रेंज लगा के छोड़ दिया है, चलिए वेट करते थोड़ा सा। तो जैसा कि दोस्तों देखिए, 906 रुपये का 914 रुपये इस रेंज को ब्रेक करने का कोशिश कर रहा है। तो एक लॉट अगर यहाँ पे लिया जाए 43,100 के पुट का, तो क्या लगता है सही रहेगा? देखते हैं। नहीं तो 42,600 दूर का ले रहा हूं, कोई कारण नहीं है लेने का, बस थोड़ा रिजेक्शन पॉइंट मुझे लगता है कि मिल जाना चाहिए, इस वजह से मैंने लेने का कोशिश कर रहा हूं। 42,600 का पुट एक लिया है इधर, और इधर जो है 1,000 रुपये का तो चल ही रहा है वो। बयालीस 300 का कहाँ गया, 43,200 का पुट, इसको भी हटाइए, इसको भी हटाइए, इसको भी हटाइए, ये सब हटेगा। 43,200 का पुट ले रखा है ना मैंने, इसमें 1,166 का प्रॉफिट हो रहा है, और अभी एक लिया ना 42,600 का पुट भी तो लिया, उसमें भी प्रॉफिट हो रहा होगा 12 रुपये का। वो एरिया ही रिजेक्शन का है, हालांकि ये दूर का ले लिया, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि ये प्रॉफिट दे, चूंकि इसमें लॉस मेरा खास नहीं है, इस वजह से 500-600 का इसमें से ज्यादा सकता है। यहाँ 90-92 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर सकते हैं, और इधर जो 43,200 वाला पुट चल रहा है इससे मुझे 1,080 का प्रॉफिट हो रहा है। 1,100 हो गए, 1,166, 1,200, 1,246, 1,201। चलिए 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 चलिए, एरिया को ब्रेक किया है 390, 390 के ऊपर निकल जाए तब तो मजा आ जाए। देख रहे 390 बैंक निफ्टी अब 42,900 के आसपास आया है, 42,910, 42,895 का लो लगाया है, इस रेंज के ऊपर निकल जाएगा तो मामला जम जाएगा सॉलिड। ये रेंज है, छोटा सा बक्सा बना रखा है, इस बक्सा के ऊपर अच्छा मूवमेंट बनेगा आपको। चलिए वेट करते हैं, वेट करके चलेंगे और कुछ नहीं। तो ये जो कहा गया, ये 42,600 वाला जो पुट है इसको क्या करें, 60 रुपये, इसमें कुछ खास नहीं है जाने का। तो ये जो दूर का हो जाता है इसको भी मैं थोड़ा सा इसको बाहर कर देता हूँ, इसको हटा ही देता हूँ काट के, है कि नहीं, झूठ कर रखा हूँ इसको, क्या करें इसको रखें नहीं रखें, हटा ही देते, हटा ही देते, ठीक है ना। तो इसको हटा दिया मैंने, जाने दिए। 42,300 नहीं, 43,200 का पुट यहाँ पर है और इसी में बनाऊ, चलिए वेट करते हैं। और ये मेरा टारगेट होगा 350, 420, 420 यहाँ तक आना चाहिए। ये सब एरिया मेरा टारगेट पॉइंट, ये जो दो लाइन देख रहे हैं ना वो टारगेट पॉइंट, वेट करते हैं, ये टारगेट पॉइंट वेट करते हैं, ठीक है। समय दोस्तों 10:11:11:06 हो रहा है, और देखिए अभी वही बैंक निफ्टी के पुट में ही हूँ, 43,200 वाले में। देखिए बैंक निफ्टी का अगर आप चार्ट देखिए ना, तो बिल्कुल साइडवेज रेंज बाउंड है, एक अच्छा ये जो ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद जो है ये बिल्कुल एक रेंज में फंस गया ना, ये रेंज बना लिया। अब इस रेंज के निचले स्तरों पर अगर निकलता है बैंक निफ्टी, तो आपको एक सेल साइड का मूवमेंट कम से कम 100 पॉइंट का बन सकता है, 100 पॉइंट 150 पॉइंट तक का बन सकता है, 42,800 तक का आ सकता है यहाँ नीचे के लेवल। लेकिन कंडीशन है उसको वह 42,880 के नीचे ब्रेक करना होगा, तब एक रेंज फंस गया है ना।
इसी रेंज को मैंने आप लोगों को भी पहले बोला था, आप मैसेज भी लिख के दिया था कि 43,200 से 43,300 का रेजिस्टेंस एरिया आपको वहां पे पुट को ही बाय करना है, 43,200 43,100। उसी को देख के देखिए जैसे नीचे आया मैंने एक लॉट और इंक्रीज कर दिया, दो लॉट पहले लिया हुआ था 43,200 का पुट, फिर मैंने एक लॉट और इंक्रीज कर दिया, 1,200 का प्रॉफिट हो रहा है। इस रेंज के ऊपर अगर ये निकलता है 385 390 के ऊपर, तो ये 430 तक जाने के चांस बना सकता है, 1400 1500। अब ये देखिए 2300 के 2286 2222 ये बॉक्स के ऊपर ब्रेक किया ना, वही 430 के आसपास का लेवल 2364 2496 है ना, ये प्रॉफिट मुझे बनना स्टार्ट हो चुका है 2500 2600 2691। तो बैंक 2700 देखिए, बैंक 42,863 आ गया 2500 2533। तो एक बार और प्रॉफिट इसको मैं बुक कर लेता हूँ, देखिए सिंपल आराम से जैसे इस बॉक्स के ऊपर निकला आपका काम बन गया है ना। तो सिंपल तरीका है, आप लोगों को भी मैंने यहाँ पे बैंक निफ्टी दिया था दोस्तों, देखिए बैंक निफ्टी 43,200 का पुट 390 के ऊपर बाय दिया था, 420 का पहला टारगेट था। अब यहाँ पे आप देखिए कि इसने हाई मारा है 405 का। तो आप लोग अगर फास्ट ट्रेडर हैं तो मूव कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं, अदरवाइज फिर बैंक निफ्टी जो है नीचे के लेवल को अगर क्लेम कर लेगा तो फिर वहां से बाउंस भी कर सकता है, जैसा कि चार्ट देख रहे हैं ये लेवल आ रहा है ना, यही है फ्लैग, फ्लैग का यही रूल है। फ्लैग यहाँ से फिर यहाँ बाउंस करके ऊपर जाएगा, फिर ऊपर से नीचे, ऐसे ही चलता रहेगा इसका काम। तो अपना काम फिलहाल इधर हो गया, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, समय हो गया दोस्तों 11:26:15। देखिए अब 43,000 का पुट में मैंने पोजिशन लिया है, 125 क्वांटिटी यानी कि 5 लॉट लिया है, उसमें 1200 का प्रॉफिट हो रहा है। तो ठीक ठाक है पोजिशन, खराब नहीं है। अभी ये ऊपर की तरफ 300 तक के एरिया के आसपास आ सकता है, और 300 के आसपास आ जाएगा तो मुझे 3,350 के आसपास का प्रॉफिट बन सकता है। तो चलिए थोड़ा वेट करते हैं, अभी समय 11:26:37 हो रहा है, वेट करते हैं। मार्केट 42,870 पर बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है, 42,600 तक वो आ सकता है, चांस है कि 42,600 तक, हालांकि ये स्ट्रेंथ तो ये भी दिखा रहा है, देखिए स्ट्रेंथ ये दिखा रही है, जैसे नीचे ब्रेक किया ना वापस वो अंदर घुस गया है ना, फ्लैग के अंदर ब्रेक किया, फ्लैग के नीचे ब्रेक किया, फिर वो अंदर घुस गया, ये अंदर घुस गया, लेकिन वापस से अगर इस तरह से ट्रेड करता रहा तो फिर से वो नीचे ही आने का कोशिश करेगा। तो 43,000 का पुट, और हालांकि वो 43,000 के नीचे ही ट्रेड कर रहा है तो ये भी एक अच्छा लेवल है। ये देखिए 1500 1600 का प्रॉफिट हो गया ना, ये एक बॉक्स एरिया को ब्रेक करके ऊपर जाए, 1600 हो गया 1500 हो गया, तो यहाँ तक आ सकता है 299, या फिर क्या कर लूँ क्या बुक, चलिए बुक कर लेता हूँ, बुक कर लिया है ना, तो ठीक ठाक प्रॉफिट बन गया मेरा। अरे पूरा नहीं हुआ, अच्छा दो बार लिया था, चलिए ये भी हो, सारे काम फिनिश हो गए थे, तो अच्छा खासा प्रॉफिट बना। चलिए इस रेंज को ब्रेक कर रहा तो बैंक निफ्टी ने स्ट्रेंथ दिखाया नीचे की साइड का, तो आपको इसी तरह से यूज करना है। हालांकि ऊपर में भी गया था तो यहाँ पे मैंने बुक नहीं किया था, छोड़ दिया था, खैर कोई बात नहीं, मेरा काम आज का हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, समय 11:55:16 यही देखिए दोस्तों, एनालिसिस पर बिलीव करिएगा तो प्रॉफिट होगा। 42,900 का पुट मैंने आप लोगों को भी दिया था, सॉरी 42,900 का पुट आपको नहीं दिया था, मैंने आपको 43,200 का पुट दिया था, तो उसमें भी प्रॉफिट बन गया, मुझे भी 42,900 का, फिर से मैंने अगेन एंट्री कर लिया, तो मैं फिर से इसको बुक कर लूंगा है ना। इस तरह से करते हुए देखिए जैसे रेंज के नीचे निकला बैंक निफ्टी तो पुट को बाइंग कर लिया, सिंपल बात है, सिंपल तरीका, और कोई भी ज़्यादा परेशानी नहीं है। तो बैंक निफ्टी कमजोर तो नहीं कहेंगे लेकिन प्रॉफिट बुकिंग है इसके वजह से है ना। चलिए तो इधर का काम जैसे जैसे रेंज हो रहा है वैसे वैसे काम फिनिश हो, अब नहीं करूँगा ट्रेड, अब मैं चला अपना दूसरा, आप लोग को भी वीडियो तो डालना है, इस वजह से अब बंद करता हूँ, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।